बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चपली कबाब। ईद उल अज़हा की स्पेशल डिशेस में से एक है, ये तकरीबन सबकी ही दिल पसंद होती है। जो चले शुरू करते हैं बनाना। अबाउट हाफ के जी हमने लिया है कीमा। कीमा ये बीफ का है। धोने के बाद इसको थोड़ा ड्राई कर लिया था। एक अदर चॉप प्याज लिए, बारीक बारीक कटी हुई है ये। एक टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया है। चार पांच बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च है। वन टीस्पून सॉल्ट लिया है। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। टू टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। टू टेबलस्पून बेसन लिया है। थोड़ा सा सब्ज धनिया लिया। एक अदद एग डाल रही हूँ मैं इसमें। वन टीस्पून गरम मसाला। वन टीस्पून ये है अनारदाना। सब चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फिर इसके हम चपली कबाब बनाएंगे। हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया सब चीज़ों को। अब हम फिर कबाब बनाएंगे। इस तरीके से हम इसके कबाब बना लेंगे, फिर इनको फ्राई करेंगे। पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है। ऑयल को थोड़ा हीट अप करने के बाद इसमें अपना चपली कबाब डालेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम पे ये जल्दी से जल जाएंगे और कच्चे रहेंगे। मीडियम, थोड़ा सा इसको पकने के बाद इसकी साइड पलट लेंगे। अबाउट 10 मिनट तक इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना। और बहुत ज़्यादा हल्की आंच भी नहीं रखनी, वरना इसमें ऑयल सारा जज़ब हो जाएगा। मैं एक और डाल रही हूँ, इसमें स्पेस थी मेरे पास। इसी तरह बाकी के चपली कबाब बना के सारे फ्राई कर लूँगी मैं। तीन मैंने निकाल ली हैं, अभी दो और डाल दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चपली कबाब बिल्कुल रेडी हैं।
हमने ना डिश आउट कर लिए। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।